हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हर श्लोक को बहुत अच्छे से समझाया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि संसार में रहकर भी अनासक्त होना चाहिए, तो स्त्रियों के लिए तो और भी ये मुश्किल है, क्योंकि वो अपने पति में, बच्चों में, और क्योंकि वो ज़्यादा भावुक भी होती है, तो कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए इसको? एक मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी उस लेक्चर में कहे कि ये जो भागवत का ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म ज्ञान सबके लिए नहीं है, केवल ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रियों के लिए जो ज्ञान है वो यंत्र ज्ञान कहलाता है। वैश्यों को ज्ञान की जरूरत नहीं है कि चीटिंग करना है, और शूद्रों को भी सेवा करना है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज एमटेक बीटेक लेकर के नौकरी के लिए ढूंढते हैं, नहीं तो झाड़ू मारते हैं। जीडी बिरला जब आए, केवल चौथा क्लास पास थे, बिरला एम्पायर खड़ा कर दिए। अंबानी मैट्रिक फेल, बड़ा एम्पायर हो गया। तो ये सब जो ज्ञान है यांत्रिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान जो होता है ब्राह्मणों के लिए होता है। तो पहले जमाने में जो पति होते थे वो ब्राह्मण होते थे, जो पति होते थे यानी वो लीडर होते थे। तो पति यदि भक्त है तो उसका बिना मांगे ही उसके जो भी कर्म करेगा पुण्य कर्म 50% पत्नी को मिल जाता था, लेकिन पाप करेगा तो पत्नी को नहीं मिलेगा। तो आप लोग फ्री हो, भगवान ने फ्री किया आपके लिए। ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में था, ठीक है ना। यदि पति पाप किया तो 100% उसको ही भोगना पड़ेगा, पत्नी बच्चे कोई नहीं लेगा। लेकिन पुण्य किया तो 50% बिना कहे चला जाएगा पत्नी के पास। तो इसलिए पहले जमाने में पत्नियों को ब्राह्मण दीक्षा देना या दीक्षा देना होता ही नहीं शास्त्रों में, कल पति का ही था। पत्नियां भागवत कथा भी नहीं सुनने जाती थी। सुखदेव गोस्वामी कथा का कोई माता जी वहां पर थी? कोई भागवत में कहीं वर्णन है? नहीं है। पुरुष लोग थे। स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा है, धन्यवाद, यहाँ इंडिया में बोल रहा हूँ, ये कहीं रिकॉर्डिंग बाहर मत भेजना अमेरिका में, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम बोल सकते हैं, वहाँ आप माताएं आप समझती हो, आपका दिल है, लेकिन बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि पतियों को स्त्रियां भी सहयोग करें। बेचारा अपन 100% के मरेगा, हम भी कुछ भाग। तो प्रभुपाद जी ने सब लोगों के लिए ये दिया है। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो भागवत का अध्ययन करोगी तो आप नहीं आसक्ति को छुड़ा सकती हो, ये भागवत आसक्ति को छुड़ाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवान वर्तते। जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये भागवत का जो टेस्ट है ये हायर टेस्ट है, और पुत्र पति बाल बच्चा धन दौलत ये लोअर टेस्ट है। तो भागवत का टेस्ट प्राप्त करो, भागवत पढ़ो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।